सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। अभी एज वी ऑल नो कि अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ये उसका सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो सेम इसी वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कॉमेंट करना मत भूलिएगा। नाउ जनरल साइंस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी डबल्स देन व्हाट इज अ चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब एक गतिशील पिंड की गति को दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। सो सबसे पहले इसमें जो एक वर्ड है काइनेटिक एनर्जी मीन्स की गतिज ऊर्जा, वो होती क्या है। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है या वो ऊर्जा होती है जो कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी पजेस करती है जब वह मोशन में होती है, जब वो गति में होती है, उस टाइम पे जो ऊर्जा यूज होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इक्वल टू 1/2 द मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K=1/2 mv². अब यहाँ पे KE काइनेटिक एनर्जी मीन्स की गतिज ऊर्जा, m मास द्रव्यमान हो गया, v वेलोसिटी या फिर स्पीड आप बोलिए इसको। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी मीन्स की जो गतिज ऊर्जा है उसमें अगर आप v को डबल कर देते हैं मीन्स की जो स्पीड है उसको अगर डबल कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा में या काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करी है। फर्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। अब v इसमें क्या करना है, आपको डबल करना है, तो ये क्या हो गया आपका 2v। ये सिंपल साइंटिफिक टर्म्स में है और ये आपका न्यूमेरिकल, जैसे मैथ्स में हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उस वे में आपको समझाया है। दोनों में से जो भी इजी लगे आपको सिर्फ समझना है इस चीज को और नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उन चार में से एक को टिक करना होता है। अब देखिए इसमें है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये हमारा फॉर्मूला गिवन है ऑलरेडी। अब इसमें बोला गया है कि जो v है उसको डबल कर दिया, डबल मीन्स कि उसको 2v कर दिया। अब यहाँ पे देखिए v की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा 1/2 m 4v² 4 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 mv² बचता है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², तो जो ये 1/2 mv² ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, तो इट मीन्स आप इसको हटा के यहाँ पे k पुट कर सकते हैं, तो k′=4k। इससे ये प्रूफ होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी क्या हो जाएगी, 4 times हो जाएगी। सेम नेक्स्ट पार्ट में देखिए, मास आपको दे रखा है 2 kg, मीन्स की द्रव्यमान 2 kg दे रखा है, v दे रखा है 2 m/s। काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की एनर्जी की फॉर्म है, तो इसका जो न्यूमेरिकली सॉल्व जो हम करते हैं तो उसका आंसर जो यूनिट आती है वो हमेशा जूल्स में आती है, जिसको कैपिटल J से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा और जब आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक पेपर और पेन लेकर बैठा कीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बोलूं वो आप अपने नोट कर सकें। नेक्स्ट है मास दे रखा है आपको, वी दे रखा है, आपने फॉर्मूले में सेम पुट करा तो फर्स्ट सिचुएशन में आपका 4 joules आ गया, बट जब आपने v यहाँ पे 2 थी तो इसको जब आपने डबल किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो v आपने यहाँ पे 4 m/s ले लिया, अब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 16 joule। अब जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसमें 14 joule आया जब हमने उसको वेलोसिटी को डबल नहीं किया, सेकंड सिचुएशन में आपके पास 16 joules आया। तो ये कंपेरिजन देखिए, फर्स्ट 4 एंड सेकेंड 1 इज 16, तो ये 4 times डबल हो गया। तो अब ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है अगर उसे डबल कर दिया जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 times बढ़ जाती है। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट दे रखा है रिमेन्स अनचेंज्ड मीन्स कि एक समान रहती है, सेकंड इट गेट्स ट्रिपल तिगुनी हो जाती है, नेक्स्ट वन इज चौगुनी हो जाती है एंड लास्ट वन इज वो डबल हो जाती है कि दुगुनी हो जाती है। तो इसमें से आंसर है आपका 4 times हो जाती है, मीन्स कि चौगुनी हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिक्वायर टेम्परेचर टू पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड,
तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम बताइए। आंसर इज थर्मोस्टेट, यूज इन हॉट वाटर सिलेंडर्स और बॉयलर्स। अब देखिए, जैसे हमारे घर में गीजर होता है या फिर ऐसा कोई अप्लायंसेज है, उसमें आपने देखा होगा कि हम पानी गर्म करने के लिए उसे ऑन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है। पहले के टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अभी जितने भी अप्लायंसेज हैं उनमें एक टाइम तक हीट की एक लिमिट मेजर कर दी गई है, और उसके बाद में जब वो उसे ज़्यादा ऊपर जाने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, जिससे वो अप्लायंस भी बच जाता है और किसी टाइप की हार्मनेस का भी हमें शिकार नहीं होना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, तो इसका नाम है थर्मोस्टेट, और इसका एग्जांपल आपने हॉट वाटर सिलेंडर बॉयलर्स में इसको देखा होगा, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड क्वेश्चन इज ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ डैश, जो मनुष्य के नाखून होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। आंसर है कैरेटिन। देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसमें हमारा सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्ट जिसको कहते हैं हार्ड वाला पार्ट, या तो हमारे टीथ होते हैं या फिर नेल्स होते हैं। अब जो हमारे नेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैरेटिन से। कैरेटिन होता क्या है? एक टाइप का टिश्यू होता है, मीन्स की उत्तक होता है, जो कि नेल्स में, स्किन में और हेयर्स में हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा कैरेटिन में और बातें करें तो कैरेटिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, ये कैरेटिन एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि अघुलनशील, जो वाटर में या फैट में घुलता नहीं है। इसके अलावा जो कैरेटिन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 3-4 पॉइंट्स मैंने और बताए हैं, तो उनको प्लीज़ नोट करिएगा। नेक्स्ट है कैरेटिन, इट प्रोटेक्ट्स नेल्स फ्रॉम डैमेज बाय मेकिंग देम स्ट्रांग एंड रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला। ठीक है, तो कैरेटिन क्या हेल्प करता है? किसी भी नेल को, जो ये टिश्यू है कैरेटिन एक प्रोटीन, ये हमारे जो नेल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाता है एंड रेजिलिएंट बनाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हमें कौन सा फूड हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैरेटिन ठीक रहे या फिर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए। तो उसके लिए जो फूड है उसमें मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक दूध और दूध से बने हुए जितने भी चीज़ें होती हैं, लाइक योगर्ट एंड चीज़। उसके अलावा ऑरेंजेस, पटेटोज, ब्रोकली, गुवावा एंड मेन सोर्सेस विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके मांगिएगा। नाउ क्वेश्चन है, कौन सी आर्टरी या कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो इसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी, और इसको फुफ्फुस धमनी भी बोल सकते हैं। जो आर्टरी होती है, आर्टरी मींस की धमनी, इसका मेनली यूज़ क्या होता है? हमारे हार्ट से, हृदय से जो बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ब्लड को लेकर जाना। पल्मोनरी आर्टरी मींस की जो हमारी फुफ्फुस धमनी है वो इकलौती ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन, जिसमें ब्लड नहीं होता, उस ब्लड को लेकर जाती है। नाउ पल्मोनरी आर्टरी इज एन आर्टरी इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ वन इज, ग्रीन स्पिनच कॉम्प्रोमाइजेज डैश इन अबंडेंस। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में डैश होता है, तो हरे पालक में विटामिन ए, बी एंड सी, ये सारे विटामिन होती हैं। तो आप में से जो जो ग्रीन वेजेस से भागता है, जिसको नहीं पसंद है, तो आज से खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और इनमें ये तीन टाइप के विटामिन्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हाइड्रोकार्बन्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एलपीजी। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से आता है तो उस क्वेश्चन को दो बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार नॉट वर्ड लग जाता है या नहीं वर्ड जब लग जाता है तो हम उस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं और उसमें गलत करके आ जाते हैं। तो कई बार जैसे ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको ये तीन विटामिन्स पता है कि ये ग्रीन स्पिनच में होती है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक और अलग से विटामिन दे देंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नहीं होती है, तो आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर डेफिनेटली गलत कर कर आएंगे। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको आंसर इजिली अटेम्प्ट कर सके और उसको करेक्ट ही कर पाए, क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्टली एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक नेगेटिव मार्किंग से हमारी जो रैंक है उस पर इफेक्ट पूरी तरीके से आ जाता है।
Now next question is, which hydrocarbons are the main constituents of the LPG? कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। अब एलपीजी जो है हमारे घर में डेली बेसिस पे यूज होती है। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो एलपीजी है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा एलपीजी को हम क्यों इसका यूज बढ़ाते जा रहे हैं, या एलपीजी को और अदर कंपैरिजन में जितने भी हमारी गैसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में एलपीजी का यूज ज्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि एलपीजी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्वांटिटी नहीं होती है, और जो हमारे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जैसे हमारी फ्रिज है या एसी है, इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो उस पर इफेक्ट आ रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को रिप्लेस करने के लिए हम एलपीजी का यूज करने लग गए हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दे सर्व एज फ्यूल, एज लुब्रिकेंट्स, एज वेल एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फाइबर्स, रबर्स एंड एक्सेट्रा। नाउ आंसर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज गैलेना, कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है या सिंबल क्या होता है? PbS। लेड के लिए PB लेते हैं एंड सल्फाइड के लिए S का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। उसके अलावा इसका यूज किस में किया जाता है? जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं या जो फोटो ऑप्टिक एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, इस टाइप के जो अप्लायंसेज होते हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है। किसका? लेड सल्फाइड का। फॉर्मूले के लिए, सिंबल के लिए आप PbS इसको यूज करेंगे। इसके अलावा जो लेड सल्फाइड है, इस ये सॉलेबल होता है, मींस कि वाटर में घुलनशील होता है, और अल्कोहल में ये इनसॉलेबल होता है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, दो चीजों में इनसॉलेबल होता है, और सॉलेबल अगर घुलनशील की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में सॉलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज डैश, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो क्या होता है? ये आपको फोर ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक करेक्ट है। फर्स्ट है एंड एयर पॉल्यूटेंट मेजरिंग मशीन्स। अब देखिए इसमें ना ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। इसका आंसर है मेजरिंग स्केल टू शो क्वालिटी ऑफ एयर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो प्लीज हम उसे कमेंट करके पूछेगा। जो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जनरल साइंस की, उसमें भी हम ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को और फैक्ट्स के साथ पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को नोट करिएगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोले उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। और स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।